इस वाले लेक्चर में हम वो सर्किट्स देखेंगे जिसमें वोल्टेज सोर्सेज हैं और वहाँ पे हमें नोडल एनालिसिस करनी है। हमने पहले जितने लेक्चर्स देखे थे नोडल एनालिसिस के, उसमें हमारे पास करंट सोर्सेज होती हैं, क्योंकि नोडल एनालिसिस इज ऑल अबाउट अप्लाइंग KCL, करंट एंटरिंग द नोड इक्वल्स टू करंट लीविंग अ नोड। उसको हम करंट लिखते थे इन द फॉर्म ऑफ V into G या V upon R, और वहाँ पे आखिर में जो आंसर आता था वो वोल्टेजेस की फॉर्म में आता था। अब इशू ये है कि अगर हमारे पास किसी नोड के साथ जो है कोई वोल्टेज सोर्स लगी है या कोई दो नोड्स के दरमियान वोल्टेज सोर्स लगी है, तो वहाँ पे मसला ये होता है कि हमें वोल्टेज सोर्सेज का शुरू में करंट नहीं पता होता कि ये करंट कितना देंगे। तो यहाँ पे हम इसकी इक्वेशन तो लिख सकते हैं कि V1 minus V2 over 8 is I2, लेकिन हम इस वाली ब्रांच का क्या करंट लिखें या इस वाली ब्रांच का क्या करंट लिखें ये हमें शुरू में नहीं पता होता। सिमिलरली यहाँ पे हम कितना करंट लिखें ये भी नहीं लिख सकते। बाद में हम बता सकते हैं कितना करंट होगा, अगर हमें बाकी तमाम ब्रांचेस का करंट पता हो तो वी कैन फिगर आउट करंट एंट्रिंग इक्वल्स टू करंट लीविंग से हम ना वोल्टेज सोर्स की जो करंट होगा वो हम बाद में बता सकते हैं, बट नॉट इन द बिगनिंग। तो इसमें हम ये करेंगे, हमारे पास दो केसेस हैं। एक केस ये है कि हमारे पास कोई वोल्टेज सोर्स है वो किसी भी नोड, नॉन रेफरेंस नोड जैसे V1 ओवर हियर और ग्राउंड के दरमियान है, तो डायरेक्टली हमारे पास वोल्टेज गिवन है कि V1 इक्वल्स टू 10 जो भी गिवन है यहाँ पे। अगर ये उल्टा लगा होता तो V1 इक्वल्स टू -10 लगा देते, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसे वोल्टेज गिवन है, हम यहाँ पे KCL इक्वेशन V1 की नहीं लिख रहे नोड 1 की, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वोल्टेज गिवन है। दूसरा सिनेरियो उस वक्त आता है कि जब हमारे पास जो है वो कोई दो नॉन रेफरेंस नोड्स के दरमियान जो है वो आ जाए, क्या कहते हैं, कोई वोल्टेज सोर्स आ जाए, तो वहाँ पे हम KCL नहीं लिखेंगे, हम एक सुपर नोड बनाएंगे। और सुपर नोड में जो है उसको पुराने किसी लेक्चर से निकाल के देख सकते हैं कि यहाँ पे KCL अगर किसी नोड पे लग रहा है तो KCL किसी क्लोज बाउंड्री पे भी एप्लीकेबल होगा, कि किसी क्लोज बाउंड्री पे भी करंट एंट्रिंग अ क्लोज बाउंड्री इक्वल्स टू करंट लीविंग अ क्लोज बाउंड्री। तो सुपर नोड इज़ फॉर्म बाय इंक्लोजिंग वोल्टेज सोर्सेज, चाहे वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, कनेक्टेड बिटवीन टू नॉन रेफरेंस नोड एंड एनी एलिमेंट्स कनेक्टेड इन पैरेलल विद इट। रेफरेंस नोड 0 volts पर होती है और इसको हम ग्राउंड रिज्यूम कर लेते हैं, और बाकी जैसे V2 और V3 नॉन रेफरेंस नोड हैं और V1 भी नॉन रेफरेंस नोड का वोल्टेज है। इधर जो है जैसे इस वाले केस में हमने ये किया कि जो 5 volt की सोर्स है उसको इनक्लोज बाउंड्री में लिख लिया और इसको हमने सुपर नोड बना लिया। अब हम सुपर नोड पे KCL लगाएंगे, करंट एंट्रिंग द नोड इज़ I1, करंट लीविंग द नोड इज़ I2, करंट I3 इज़ ऑल्सो लीविंग एंड I4 इज़ लीविंग। तो अब हम ये करंट एंट्रिंग टू करंट लीविंग में V higher minus V lower over ohms। तो अगर मैं यहाँ पे इस सुपर नोड की इक्वेशन लिखता हूँ तो गोइंग टू राइट करंट एंट्रिंग दिस सुपर नोड इज़ I1 और प्लस I4 इज़ एंटरिंग और लीविंग। ये वंस अगेन आप अपनी तरफ से डायरेक्शन रिज्यूम कर सकते हैं कि इनकी डायरेक्शंस क्या होंगी, एसेंशियली डायरेक्शंस का मतलब है एमीटर की ओरिएंटेशंस। और I2 इज़ लीविंग प्लस I3 इज़ ऑल्सो लीविंग और एसेंशियली वी जस्ट पुट एमीटर्स ओवर हियर प्लस इन द टॉप एंड माइनस एट द बॉटम। अच्छा, I1 कैन बी रिटन एज V1 minus V2 over 2 प्लस I4 कैन बी रिटन एज ये भी एंटरिंग था तो V1 minus V3 over 4 ohms, और I2 कैन बी रिटन एज V2 minus 0 नहीं, 8 के नीचे आई थिंक 0 है, हाँ 0 volts over 8, और प्लस I3 कैन बी रिटन एज V3 minus 0 over 6। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरा काम हम ये करेंगे यहाँ पे कि इधर जो है KVL लगा देंगे। अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूँ तो भाई ये वाला जो वोल्टेज है ये V2 है, ये वाला जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस ये V3 है, क्योंकि V3 इसका वोल्टेज है। और हम बता चुके हैं कि अगर सिंगल सबस्क्रिप्ट होगा तो वो उस नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, तो V3 minus 0 इज़ एसेंशियली V3 एंड V2 minus 0 इज़ एसेंशियली V2। और अगर मैं यहाँ पे KVL इक्वेशन लिखता हूँ, आई एम गोइंग टू राइट -V2 plus 5 volt plus V3 equals to 0, और मेरे पास V1 ऑलरेडी मुझे पता है यहाँ पे कि V1 की वैल्यू जो है वो 10 है, तो मेरे पास दो अननोन्स, इसकी वैल्यू पता है V2 और V3 की टर्म्स में, मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई, दो अननोन्स है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वी कैन फिगर आउट द वैल्यू फॉर V2 एंड V3। यहाँ पे एक और तरीका भी है कि आप ये देख लें कि V2 जो है वो उसके साथ जो है 5 वोल्ट्स का प्लस लगा हुआ है एंड V3 के साथ माइनस लगा हुआ है। यू कैन जस्ट डायरेक्टली राइट V2 minus V3 equals to 5, -V2 plus 5 plus V3 equals to 0। तो यहाँ पे V2 minus V3, हाँ सही है, ये वाली इक्वेशन वैलिड है यहाँ पे। अगर मैं इसको राइट साइड पे ले जाऊँ तो मेरे पास V2 और V3 को भी राइट साइड पे ले जाऊँ, V3 minus V3 equals to 5।
अच्छा यहाँ पे अब मेरे पास जब v1 v2 की वैल्यूज आ जाएंगी तो फिर मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि इस नोड पर, यहाँ पे इस नोड पर मैं KCL लगा के यहाँ का करंट निकाल सकता हूँ। उसका तरीका ये होगा कि I1 is equals to V1 minus V2 over 2, I2 equals to V2 minus 0 over 8। ये मेरे पास आ गया करंट एंट्रिंग करंट लीविंग। अब डिपेंड करता है कि आपने एमीटर इस डायरेक्शन में लगाया हुआ है, तो आपने कहा कि इस करंट का नाम हमने IX रख दिया, तो हम कहेंगे कि भाई IX इज आई, यहाँ पे अगर नोड वन की, सॉरी इस वाली नोड पे अगर KCL लगाएंगे तो करंट एंट्रिंग दिस नोड इस I1, लीविंग जो है वो हमारे पास I2 प्लस IX कर लें। फिर आप जो है इस वोल्टेज सोर्स का करंट निकाल सकते हैं, शुरू में नहीं। अच्छा एक और चीज़ ये है कि क्या यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाना ज़रूरी था? इसका आंसर है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नोडल एनालिसिस करना है फिर तो ज़रूरी है, अगर नहीं है तो फिर ये डायरेक्टली मैश एनालिसिस से ईजीली हो सकता है कि यहाँ पे मैश 1, मैश 2 और मैश 3 के आप तीन करंट्स लिखें और यू कैन ईजीली सॉल्व फॉर I1, I2 एंड I3, और उसके बाद जाके इफ़ यू वांट टू फिगर आउट V2 तो फिर वो I into R आप करके यहाँ पे जो भी करंट होगा शेयरिंग करंट्स वो निकाल के आप कर सकते हैं। यहाँ पे सारा तरीका गिवन है कि कैसे हमने इसको किया और यहाँ पे KVL कैसे लगाया ये हम बता चुके हैं। और नोट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सुपर नोड के वोल्टेज सोर्स इनसाइड अ सुपर नोड प्रोवाइड द कॉन्स्टेंट इक्वेशन नीड टू सॉल्व फॉर द नोड वोल्टेजेस। सुपर नोड का अपना कोई वोल्टेज नहीं होता और सुपर नोड पे KCL KVL दोनों लगते हैं। अब इस वाली एग्जाम्पल में अगर हम, वैसे तो यहाँ पर डायरेक्टली मैश एनालिसिस से डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है क्योंकि मेरे पास चार मैश करंट्स होंगे, 2 यहाँ पे 7 आ जाएगा, सिर्फ इसका सॉल्व करना होगा। आई मीन दिस रियली अ नो ब्रेनर इफ़ यू आर डूइंग फॉर मैश। लेकिन यहाँ पे अगर सुपर नोड से, सॉरी नोडल एनालिसिस हमें करना है तो हम ये कर सकते हैं कि इसको सुपर नोड बना लें या फिर इस पूरे को हम सुपर नोड बना लेते हैं। तो जब हम पूरे को सुपर नोड बनाएंगे तो फिर यहाँ पर मेरे पास जो है सुपर नोड की जो इक्वेशन होगी उस पर हम कहेंगे कि भाई करंट एंट्रिंग, अब यहाँ पे मैंने कहा कि ये भी लीव कर रहा है, ये भी लीव कर रहा है। अब इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि V1 माइनस 0 ओवर 2 V1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पे और ओवर 2 प्लस दूसरा जो लीव कर रहा है वो यहाँ पे है, गोइंग टू राइट V2 माइनस 0 ओवर 4, करंट एंट्रिंग द नोड इज 2 द सुपर नोड एंड करंट लीविंग द नोड इज 7, तो गोइंग टू राइट करंट एंट्रिंग द नोड 2 माइनस 7 तो यहाँ माइनस 5 आ जाएगा। फिर मैं अभी KVL इक्वेशन ये लिख सकता हूँ या डायरेक्टली लिख लूँगा V2 के साथ प्लस लिखा है और V1 के साथ माइनस, तो गोइंग टू राइट V2 माइनस V1 इक्वल्स टू 2। या फिर आप यहाँ पे अगर आपको इस फॉर्म में KVL की फॉर्म में लिखना है तो राइट V1 यहाँ पे आप लिखेंगे V2 गोइंग टू राइट माइनस V1 माइनस 2 प्लस V2 इक्वल्स टू 0, फिर उसको इस फॉर्म में ले आएंगे या माइनस V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 2 इस फॉर्म में लिख लें और वो जो है हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा इधर जो है अगर हम ये 10 ओम को इंक्लूड ना करते सुपर नोड में तो उस सूरत में होता ये कि 10 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 2 वोल्ट्स यहाँ पे, 10 ओम्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट्स है। तो इसमें जब करंट जो होगा, अगर मैं इस डायरेक्शन में इसका करंट ले लेता हूँ तो 2 वोल्ट्स डिवाइड बाई 10 जो है मेरे पास 0.2 एम्पियर्स आता। अब उस सूरत में क्या होता है कि इधर जो है अगर मैं इसको सुपर नोड बना लेता हूँ और इसमें पैरेलल में अगर कोई कंपोनेंट्स इंक्लूड नहीं करता तो उस सूरत में फिर यहाँ पे एक टर्म होती है कि भाई यहाँ पे करंट एंट्रिंग हो रहा है और यहाँ पे करंट लीविंग कर रहा है, तो इधर जो है यहाँ पे भी मुझे प्लस 0.2 करना पड़ता और इस साइड पे भी प्लस 0.2 करना पड़ता, जो दोनों कैंसिल आउट हो जाते। तो इस एक्स्ट्रा एफर्ट से बचने के लिए हम ये कहते हैं कि सुपर नोड इज़ फॉर्म्ड बाय क्लोजिंग द वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड बिटवीन टू नॉन रेफरेंस नोड एंड एनी एलिमेंट्स कनेक्टेड इन पैरेलल विद इट। फिर यहाँ पे इसका तरीका कि मैंने, यू कैन जस्ट टेक इट, इसमें कॉन्स्टेंट करंट की डायरेक्शन तो वैसे ही लेंगे जैसे गिवन है और यहाँ पे तरीका भी, यहाँ पे KVL भी बता दिया गया कि कैसे हुआ है और उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके और यहाँ पे इसने लिखा हुआ है नोट दैट 10 ओम रेजिस्टर डज नॉट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द सुपर नोड। रीज़न बता चुके हैं कि उसका जो करंट होगा वो आपको दोनों साइड में इंक्लूड करना होगा। फाइंड V एंड I इन द सर्किट प्रैक्टिस प्रॉब्लम, कैन वी डू इट विद मैश? अब यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है कि नोडल से करना है, आप मैश से ईजीली कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वेयर दैट वी, यहाँ पे अगर मैं सिंपल 1, 2 और 3 मैश करंट्स लिख के डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अगर नोडल एनालिसिस से करना है तो नोडल एनालिसिस में वी हैव दिस नोड एज V1 एंड वी हैव अनदर नोड एज V2 एंड वी हैव अनदर नोड एज V3, और अगर मैं इस वाले को रेफरेंस नोड बना लूँ तो आई कैन मेक दिस थिंग एज ए सुपर नोड।
तो सुपर नोड में अब अगर मैं सुपर नोड की इक्वेशन लिखता हूँ, तो अब मेरे पास अगर बाद में जब वी टू आएगा वो वी टू की वैल्यूज़ वी के बराबर ही होगी, और वी थ्री की वैल्यू है उसको मैं वी थ्री डिवाइड बाई टू कर लूँगा तो मेरे पास आई की वैल्यू आ जाएगी इस वाले करंट की। तो अब यहाँ पे वी वन इक्वल्स टू 14 तो डायरेक्टली है क्योंकि ये नॉन रेफरेंस नोड और रेफरेंस नोड के दरमियान है, तो वी कैन जस्ट राइट वी वन इक्वल्स टू 14 वोल्ट्स। अब मैं सुपर नोड की अगर इक्वेशन लिखता हूँ तो करंट एंटरिंग द सुपर, मैं इस वाले की बात में कर रहा हूँ, तो पहले तो अगर चाहें तो के वी एल इक्वेशन लिख रहे हैं, गोइंग टू राइट वी थ्री माइनस वी टू इक्वल्स टू 6, या के वी एल लिखना चाहें तो लिख लें कि माइनस वी टू माइनस 6 प्लस वी थ्री इक्वल्स टू 0, इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर जहाँ पॉजिटिव है वहाँ वी थ्री लिख लें, जहाँ नेगेटिव है माइनस वी टू इक्वल्स टू 6, एक ही बात है। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि इस तरह करंट अज्यूम कर लेता हूँ, इस तरह जा रहे हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू राइट सुपर नोड इक्वेशन, और जिस नोड की इक्वेशन है तो गोइंग टू राइट वी टू माइनस वी वन, और वी वन की वैल्यू 14 मुझे पता है, वी टू माइनस वी वन ओवर 4 प्लस वी टू माइनस 0 ओवर 3, ये एक ये वाली टर्म इसकी लिख ली, ये वाली लिख ली, पर वी थ्री ओवर 2 इक्वल प्लस वी थ्री माइनस 0 ओवर 2 प्लस वी थ्री माइनस 0 ओवर 6 इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। फाइंड नोड वोल्टेजेस इन दिस थिंग, दे आर 4 नोड वोल्टेजेस। तो अब यहाँ पे दो सुपर नोड्स बन रही है। अच्छा, इधर कहीं लिखा हुआ नहीं है कि नोडल एनालिसिस से करना है, हम इसको मैं अगर लिखा हुआ होगा कि यूज़ दिस मेथड तो फिर तो करना है, लेकिन अगर कहीं पे सिर्फ ये कहा जा रहा है कि नोड वोल्टेजेस निकाल लें एंड और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई नोडल एनालिसिस हैं या मैश एनालिसिस या कोई और तरीका, तो हम कोई भी तरीका लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मैश भी कर सकता हूँ नोडल, और ऑब्वियसली सी डी आर वी डी आर तो नहीं लगेगा बिकॉज दे आर नॉट इन सीरीज ऑफ पैरेलल एक्सप्लिसिटली, लेकिन यहाँ पे मैश एनालिसिस करने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक सुपर मैश भी बन रहा है। इट्स अप टू यू व्हाट मेथड यू वांट टू मेक। तो यहाँ पे दो सुपर नोड्स बना लेते हैं बिकॉज वी हैव टू नॉन रेफरेंस नोड्स के दरमियान जो है एक वोल्टेज सोर्स है और इधर भी। तो इसकी अगर मैं के वी एल इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे, तो इधर जो के वी एल इक्वेशन होगी आई कैन जस्ट राइट वी वन माइनस वी टू ओवर 20, या गोइंग टू राइट ये जैसे वी वन था ये हमारे पास है वी टू है, तो हम यहाँ पे माइनस वी वन प्लस 20 प्लस वी टू इक्वल्स टू 0, तो उसको एक साइड पे ले आए तो ये बन जाएगा। इसकी जो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे वी थ्री माइनस वी फोर इक्वल्स टू 3 वी एक्स। अच्छा, वी एक्स कैन बी रिटन एज, वी एक्स कहाँ के बना, ये रहा वी एक्स इज़ हियर। तो वी एक्स की वैल्यू जो है वो हमें लिख सकता हूँ कि वी एक्स एसेंशियल में एक वोल्ट मीटर की रीडिंग है, वो इन दो पॉइंट्स का डिफरेंस बता रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी इस वाले पॉइंट पे रखा हुआ है रेड वायर पे, और ये ब्लैक वाले वायर पे, रेड वाले वायर पे लिखा हुआ है वी वन और ब्लैक वाले वायर पे लिखा है वी टू। तो वी एक्स कैन बी रिटन एज वी वन माइनस, सॉरी, ब्लैक वाले वायर पे लिखा हुआ है वी फोर, तो वी वन वी एक्स कैन बी रिटन एज वी वन माइनस वी फोर। तो इसमें एक इक्वेशन ये बन गई हमारे पास, और बाकी सुपर नोड की इक्वेशंस बना लें। यहाँ पे करंट एंटरिंग द सुपर नोड इक्वल्स टू करंट लीविंग द सुपर नोड, तो यहाँ पे आ जाएगा वी वन माइनस जीरो ओवर टू प्लस वी टू, और सॉरी, प्लस वी टू माइनस वी थ्री ओवर 6, और करंट एंटरिंग द नोड जो है वो इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, प्लस लेफ्ट साइड पे आप लिखेंगे वी वन माइनस वी फोर ओवर 3, तो एक इक्वेशन ये बन गई। सिमिलरली अगर मैं इसकी इक्वेशन, इस नोड की इक्वेशन लिखूँ इस वाली सुपर नोड की, तो वी थ्री माइनस जीरो ओवर 4 प्लस वी थ्री माइनस वी टू ओवर 6 प्लस वी फोर माइनस वी वन ओवर 3, जिस नोड की इक्वेशन लिख रहे हैं उसके वोल्टेज का पॉजिटिव एज्यूम कर लें, शेयरिंग नोड्स का नेगेटिव एज्यूम कर लें। तो ये तरीका यहाँ पे गिवन है, इन्होंने करंट डायरेक्शन से यहाँ पे किया हुआ है इसमें, और इधर जो है इन्होंने 4 इक्वेशन वैसे बनी गई हैं, तो वी कैन जस्ट राइट दीज इक्वेशंस। फिर उसके बाद जो है एक ये हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। अब इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में इशू ये है कि इसमें सुपर नोड बनाएंगे कैसे। अब इसमें मसला ये है कि यहाँ पे अगर मैं इसको सुपर नोड, आप अगर ज़रूरत है तो अगर मैं इसको सुपर नोड बनाता हूँ तो वी वन और वी टू यहाँ पे करंट एंटरिंग द नोड इक्वल्स टू करंट लीविंग द नोड हमारे पास आ सकता है इधर, और वी वन अपॉन टू और वी वन माइनस वी थ्री अपॉन 6 प्लस, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा वी टू अपॉन 4, एक तरीका ये भी है। अच्छा, अगर मैं इसको सुपर नोड बनाता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास दो सुपर नोड्स बन गई। एक और ऑप्शन ये है कि अगर मैं इस
पूरे को सुपर नोड बना लूँ, तो यानी कि आई डोंट नो के व्हाट्स इनसाइड दिस क्लोज बाउंड्री, तो उस सूरत में यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ v1 अपॉन, इसको लिखने की कोशिश करते हैं, v1 माइनस 0 अपॉन 2 प्लस v2 माइनस 0 अपॉन 4 प्लस v3 माइनस 0 अपॉन 3। एक मेरे पास ये इक्वेशन आ गई कि मैंने एज्यूम कर लिया कि सब करंट्स जो हैं वो इससे लीव कर रहे हैं, ऑब्वियसली कोई साइन जो है वो माइनस में भी आएगी। अब यहाँ पे आई कैन जस्ट राइट, दूसरी इक्वेशन मेरे पास बन जाती है v1 माइनस v2 ओ इक्वल्स टू 25, ये KVL इक्वेशन हो गई। और तीसरी इक्वेशन मेरे पास है v3 माइनस v2 इक्वल्स टू, यहाँ पे v5i लिखा हुआ था, आई थिंक दैट वाज 5i, तो आई कैन जस्ट राइट 5i ओवर हियर एंड i कुड बी रिटन एज v1 ओवर 2 इक्वल्स टू 5v1 ओवर 2, क्योंकि i वाज डिफाइंड गोइंग इन दिस 2 ओम्स रजिस्टर। तो इसको अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है वो मेरे पास यहाँ पे v1 v2 v3 की ये वाली वैल्यूज आ सकती हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में डिटरमाइन द नोड वोल्टेजेस यूजिंग नोडल एनालिसिस, तो अब तो हमें हर हाल में नोडल ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये वाले सेंटेंस का ये वाला पार्ट ना होता तो फिर हम सिंपल मैश एनालिसिस से भी कर सकते हैं इसको, और कोई भी तरीका जो आपको अच्छा लगे उससे। आगे हम तरीके देखेंगे सुपरपोजिशन और थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तो मेरे ख्याल में यहाँ नहीं लगेगा, लेकिन सुपर पोजिशन बहुत आराम से लग सकता है यहाँ पे, वो तरीका बाद में अगले लेक्चर में आएगा। अच्छा, इसमें वंस अगेन सुपर नोड बनेगी क्या, लेट्स से अगर मैं इसको सुपर नोड बना लूँ फ्रॉम हियर, इस वाले पार्ट को, तो मेरे पास जो है वो करंट एंट्रिंग इक्वल्स टू करंट लीविंग, तो मैं यहाँ पे इसको सर्किट को अगर बनाऊँ तो मैं इस तरह बना सकता हूँ उसको, अगर सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे ये रजिस्टर हो गया, सॉरी फॉर बैड ड्राइंग, ये वाला आ गया और ये मेरे पास जो है वो सुपर नोड है, तो यहाँ पे भी करंट एंट्रिंग, यहाँ वाले करंट्स आप ले सकते हैं इधर या इस डायरेक्शन में, गिवन है हियर एंड हियर, तो वट एवर करंट्स यू वांट टू सेलेक्ट, इसकी आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख लें और v3 माइनस v1 इक्वल्स टू 30, ये मेरे पास इस सुपर नोड की KVL इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे एक v3 की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली गिवन है, क्योंकि नॉन रेफरेंस और रेफरेंस नोड के दरमियान है, हम इसको जो है वो सुपर नोड बना सकते हैं हियर, इसको सुपर नोड यहाँ पे फ्रॉम हियर टू हियर, इसको सुपर नोड बना लिया एंड जस्ट राइट v1 माइनस v2 इक्वल्स टू v0, v0 की वैल्यू जो है वो एसेंशियली v2 के बराबर है हियर, क्योंकि v2 इज़ द वोल्टेज बिटवीन दिस नोड एंड द रेफरेंस नोड। अच्छा, ये v अपॉन r नहीं होगा, ये v इंटू g होगा, तो इसमें सीमेंस पे सारी चीज़ें गिवन है। और इस वाले असाइनमेंट वाले सवाल में ये बैकग्राउंड में काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, वी कैन जस्ट राइट v1 माइनस v2 इक्वल्स टू i एंड i कैन बी रिटन एज v3 अपॉन 4 और v1 माइनस v3 कैन बी रिटन एज 12, दो इक्वेशन तो ये बन गई। तीसरी इक्वेशन में यहाँ पे वी कैन जस्ट राइट नोडल इक्वेशन फॉर सुपर नोड बना लेते हैं यहाँ पे, सुपर नोड बनेगी कैसे, इसमें आपके पास एक, अगर मैं इस पूरे को सुपर नोड बना लूँ तो आई थिंक दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, कि अगर मैं इस पूरे को सुपर नोड बना लेते हैं तो फिर आई कैन जस्ट राइट v1 ओवर 4 प्लस v2 ओवर 1 प्लस v3 अपॉन 4 इक्वल्स टू 0, इससे हमारे पास तीसरी इक्वेशन बन गई। और बाकी फिर हम इस इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके वी कैन सॉल्व फॉर v1 v2 एंड v3।